हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिसिंदर मौर्य। हाउ टू ग्रो ए स्मॉल अकाउंट, राइट? हाउ टू ग्रो ए स्मॉल अकाउंट, कम कैपिटल है तो हम उसको किस तरीके से ग्रो करें, प्रोफेशनली तरीके से हम उसको किस तरीके से ग्रो करें, मैं किस तरीके से अपने अकाउंट को ग्रो करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पर समझाऊँगा। देखो, जो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग में ईजी चीज़ें ही ज़्यादा वर्क करती हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमको उसको डेली फॉलो भी करना है। अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी में और बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा ये अवेलेबल होगा। नीचे कमेंट करके आप बताना वीडियो देखने के बाद कि हाँ, मैंने यहाँ पे जो शेयर किया ये अवेलेबल है या नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम यहाँ पे टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है? हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप शेयर मार्केट में आए हो, जाहिर सी बात है। और अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो शेयर मार्केट का आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं मुझे लगता है शेयर मार्केट के दो रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि शेयर मार्केट में आप वही पैसा लगाओ जिससे अगर आपका लॉसेस हो जाता है तो आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना है, मतलब यहाँ पे फाइनेंशली आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन ना है। तो शेयर मार्केट में हम वही कैपिटल आपको लेकर आना चाहिए जिससे कि लॉसेज हो, अगर उस कैपिटल का अगर लॉसेज भी हो जाता है तो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और दूसरा रूल ये है कि शेयर मार्केट में अगर आप आए हो पैसा बनाने के लिए तो आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना होगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे 50,000 रुपये का अगर आप यहाँ पे कैपिटल लेकर आए हो तो आप सोच रहे हो कि इसको सीधा हम 5 लाख बना देंगे, तो ये पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करना होगा। तो ये हाई एक्सपेक्टेशन मत लेकर आओ, ये पॉसिबल है बट इसके लिए बहुत सारा लर्निंग करना होगा। तो शुरू में, स्टार्टिंग में आपको इस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखना बेकार होगा, इससे आप अपना कैपिटल ही ड्रॉ डाउन करोगे। तो दूसरा रूल मेरा ये है कि शेयर मार्केट में आप जितना पैसे लेकर आओ तो इससे आप मैक्सिमम दिन तक ट्रेड करो। मैक्सिमम दिन तक ट्रेड करो मतलब आपके पास जो भी कैपिटल है आप उससे क्या करो, मार्केट में बने रहो। मार्केट में बने रहने का मतलब होता है आप मार्केट में उससे क्या करो, उसी कैपिटल के साथ सर्वाइव करो। आप जितने ज़्यादा दिन तक उस कैपिटल से आप ट्रेड लोगे, जैसे मान लो आपके पास जो भी कैपिटल है आप उससे 50 दिन तक ट्रेड कर पा रहे हो, तो आप जितने ज़्यादा दिन तक आप ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा दिन तक आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 50 दिन तक ट्रेड ले पा रहे हो उस कैपिटल से, तो आपको 50 दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस 50 दिन में आपको किसी ना किसी दिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स वहाँ पर अर्न कर सकते हो। सिर्फ एक दिन तो मिलेगा नहीं, हो सकता है इस 50 दिन में आपको यहाँ पे कर 10 दिन, 20 दिन या फिर इसका हाफ 25 दिन आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल भी कर सकते हो। तो इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको 50 दिन तक मार्केट में बने रहना पड़ेगा। तो दूसरा रूल हमारा यही है कि आपको क्या करना होगा, मार्केट में बने रहना होगा। अब मार्केट में बने रहना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे कैलकुलेशन करना होगा। वही सारे कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा, राइट, कि हम किस तरीके से मार्केट में बने रहेंगे। और राइट, तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा, मान लीजिए आपके पास, मैंने जैसे अभी यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग बताया कि आपके यहाँ पर शेयर मार्केट में हमें वही पैसा लेकर आना है कि जिसका अगर लॉसेज भी हो जाए तो हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, साइकोलॉजी हमारी इम्पैक्ट ना हो। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ 15,000 का कैपिटल है, राइट, 15,000 का कैपिटल है, अगर आप इसके लॉसेज भी करते तो भी आपके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, 15,000 के कैपिटल से हम कितने दिन तक ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, 1 लॉट में ट्रेड करते हो, तो इससे हम कितने दिन तक ट्रेड ले पाएंगे इसके हम पहले यहाँ पे बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया ना कि मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा। मार्केट में बने रहने का मतलब आप मैक्सिमम कितने दिन तक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि हमारे पास अगर 50,000 रुपये का कैपिटल है तो 50,000 रुपये के कैपिटल से हम मैक्सिमम कितने दिन तक, हम मैक्सिमम या मिनिमम हम कितने दिन तक हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे, राइट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको ये समझना होगा कि जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ होता है, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ होता है वो 15 का होता है। आपको पता होगा एक लॉट जो होता है बैंक निफ्टी का, उसमें क्या होता है, राइटिंग पर मत जाना, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से समझना, रिलेट करते हुए चलना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक लॉट में कितने होते हैं, एक लॉट का मतलब होता है यहाँ पे 15 क्वांटिटी होता है, और ये जो हमें 15 क्वांटिटी ये मिलता है, अगर हम इसको जब बाई करते हैं तो ये अप्रॉक्स जो हमको पड़ेगा ऑन एन एवरेज, ये हमको 5,000 में हमको ये पड़ जाता है। 5,000 मतलब 5,000 रुपये में हमको एक लॉट पड़ता है। हाँ, अगर आप इसको एक्सपायरी डे के दिन अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड ले बाई करते हो तो वो आपको सिर्फ 3,000 में ही आपको वो पड़ जाएगा। और अगर एक्सपायरी डे के दिन जस्ट बाद, क्योंकि उस दिन प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम क्या हो जाता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है, नया एक्सपायरी शुरू होता है, तो उसके बाद ये जो लॉट साइज होगा वो हो सकता है आपको यहाँ पे 7,000 तक का मिलेगा। बट अगर आप इसका एवरेज करोगे, एवरेज करने के बाद आप देखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज, सीधा क्लियरली आपको बताता हूँ कि आपको
पर डे 5000 के आसपास ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया हुआ था, आप इसको कैलकुलेट करोगे भी तो भी आपको यही निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर हमने ये समझा कि अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में वन लॉट से अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बैंक निफ्टी में वन लॉट से ट्रेड लेते हैं, तो हमें वहाँ पर हमारा जो कैपिटल यूज होगा वो 5000 रुपये का कैपिटल यूज होगा। और इस 5000 रुपये के कैपिटल में अगर आपका जो एस एल होगा लॉसेज होगा वो यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का लॉसेज होगा, क्योंकि जो मेरा सेटअप है 5 प्लस आर एस आई स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एस एल काफ़ी कम होता है। तो उसमें जो हमारा एस एल होगा एक लॉट में, मैं यहाँ पर एक लॉट की बात कर रहा हूँ, एक लॉट में जो मेरा यहाँ पर हमारा एस एल होगा वो 500 रुपये, ये मैंने 500 रुपये तो ज़्यादा बताया, 500 से कम ही होगा अप्रॉक्स, वहाँ पर 350 या 400 के आसपास हमारा वहाँ पर लॉसेज होता है अगर हम उसको सही से यूज करते हैं तो, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया हुआ है, उस पर हम डेप्थ में नहीं जाते। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 350-400 नहीं, हमने यहाँ पे लॉसेज को यहाँ पे मैक्सिमम ले लिया कि हमारा जो पर ट्रेड में जो लॉसेज होता है वो हमारा 500 रुपये का लॉसेज होता है। मतलब अगर मैं 5000 रुपये ले रहा हूँ तो इसमें जो मेरा लॉसेज होगा सबसे पहले मेरा लॉसेज ही कैलकुलेट होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे 500 रुपये का लॉसेज होगा। और डेली हम दो ट्रेड लेंगे, मान लो आपने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में आपको 500 रुपये का लॉसेज होगा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड लेना है आपको, अगर दूसरे ट्रेड में भी लॉसेज होता है तो हम टोटल दो ट्रेड लेंगे। अगर मेरा दो ट्रेड में लॉस हो जाता है या फिर प्रॉफिट हो, हमें इससे मतलब नहीं, अगर मेरा दो ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर दूंगा और ओवरऑल डे के एंड में जो हमारा यहाँ पे लॉसेज होगा वो 1000 रुपये का लॉस, मतलब हम पर डे 1000 रुपये का लॉसेज ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये समझाया कि बैंक निफ्टी में हम एक लॉट से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इसमें जो हमारा कैपिटल यूज होगा अप्रॉक्स वो 5000 का कैपिटल यूज होगा, और 5000 के कैपिटल पर जो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड में जो हमारा यहाँ पे लॉसेज हो सकता है वो यहाँ पर 500 का लॉस हो जाता है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लॉस लिया हुआ, इससे कम ही का लॉस होगा। और हमको डेली दो ट्रेड लेना है, दो ट्रेड का मतलब हो गया कि अगर आपका पहले ट्रेड में यहाँ पे लॉसेज हो जाता तो हम एक ट्रेड और लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पर डे जो 500 इधर और 500 इधर टोटल यहाँ पर 1000 रुपये का लॉसेज होगा, राइट। तो ये तो रहा कि हम एक लॉट में ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हम एक लॉट से हम कितने दिन तक ट्रेड ले पाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही मेहनत से यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, एक्सेल शीट, आपको ये दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू ग्रो ए स्मॉल अकाउंट, अगर आपके पास यहाँ पे 50000 रुपये कैपिटल है तो उसको कैसे ग्रो करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे डे वन में आते हैं, मान लो आप पहले दिन आते हो, आपने ट्रेड लिया, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड लेते हो तो जो आपका कैपिटल यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ यूज्ड कैपिटल, एक ट्रेड लेते हो तो एक लॉट में जो मेरा यहाँ पे कैपिटल यूज होगा वो यहाँ पे 5000 का कैपिटल यूज होगा, ठीक है। और हम एक दिन में टोटल कितने ट्रेड लेंगे, दो। तो मैंने यहाँ पे डे वन के अंदर यहाँ पर लिख दिया, पहला ट्रेड है ये, दूसरा ट्रेड है ये, ठीक है। पहले ट्रेड में हमारा 5000 रुपये कैपिटल यूज होगा, दूसरे ट्रेड में भी हमारा यहाँ पे 5000 रुपये का कैपिटल यूज होगा। अगर हम पहले ट्रेड में हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉसेज हो जाता है, तो फिर हमारा जो यहाँ पे पहले कैपिटल था, हमारा कैपिटल यहाँ पे कितना था, 50000 रुपये का यहाँ पे कैपिटल था। 50000 रुपये के कैपिटल में अगर मुझे यहाँ पे 500 का लॉस हो जाता है तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचेगा 49500 का कैपिटल बचेगा। तो मतलब यहाँ पे 500 रुपये लॉस करने के बाद जो मेरा 50000 रुपये में कैपिटल बचेगा वो इतना। अब मैं 50900 रुपये में से यहाँ से मैं वापस से ट्रेड लूँगा इसमें से 5000 रुपये का, तो इसमें भी मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे लॉसेज हुआ, तो वापस से इसमें जब मुझे यहाँ पे 500 का वापस से लॉस होगा तो यहाँ पे 500 फिर से आपको घटाना होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आपको 49000 का यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो एक दिन में आपको टोटल कितने लॉस हुआ, 1000 रुपये का। तो 50000 रुपये में अगर आप 1000 रुपये घटाओगे तो डे के एंड में आपको आपके पास सिर्फ 49000 रुपये रहेगा। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एक्सेल शीट तैयार किया हुआ, यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये समझाने का यहाँ पर ट्राई किया है कि अगर हम डेली लॉसेज करते हैं, ठीक है, राइट। अगर हम डेली लॉसेज करते हैं, मतलब मैंने पहले दिन अगर 1000 रुपये का लॉस किया, दूसरे दिन भी 1000 रुपये का लॉस किया, जैसे देख लो यहाँ पर डेली पहले दिन 1000 रुपये का लॉस, दूसरे दिन 1000 रुपये का लॉस, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ऐसे हम कंटिन्यू लॉसेज ही कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर सिर्फ लॉसेज ही लॉसेज तो नहीं होगा, बट हमें ये लेकर चलना है वर्स्ट सिनेरियो कि अगर हमें सिर्फ लॉसेज ही होता है तो हम इसमें क्या होता है, कितने दिन हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे, राइट। अगर हमारा सिर्फ इसमें क्या होता है, लॉसेज ही होता है तो हम इसमें कितने दिन तक हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। तो ये आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, नीचे यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ। तो अगर आप पर डे एक 1000 रुपये का लॉसेज करते हो तो आप यहाँ पे 45 दिन तक आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, मतलब आप डेली आओगे, पहले दिन आओगे, लॉस करोगे, तो इस तरीके से आप 45 दिन तक ट्रेड लोगे। तो जब 45 दिन के ट्रेड के एंड में आपके पास सिर्फ 5000 रुपये का यहाँ पे कैपिटल बचेगा, मतलब अब आप इससे और ट्रेड नहीं ले सकते। 45000 रुपये अगर आपके पास 50000 रुपये है तो 50000 रुपये में आप सिर्फ 45 दिन तक ही आप ट्रेड ले पाओगे। तो ये जो एक्सेल शीट है, इससे यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे निकल कर आया है कि 50000 रुपये में हम सिर्फ 45 दिन तक ही हम यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे 5000 रुपये कैपिटल बचा हुआ है, ये क्यों हमने बचा लिया, ये भी मैं समझाता हूँ। हमने यहाँ पे टोटल देखोगे, आपने 45 दिन तक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे टोटल 45 दिन तक ट्रेड लिया, और हर दिन हम यहाँ पे दो ट्रेड ले रहे हैं। दो ट्रेड का मतलब हो गया हमने यहाँ पे टोटल 90 ट्रेड लिया हुआ, राइट। और आपको बताओगे अगर हम क्या कहते हैं
बैंक निफ्टी या निफ्टी में जिसमें भी हम ट्रेड लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे ब्रोकरेज देना होता है। एक ट्रेड में जो हमें ब्रोकरेज देना होता है वो अप्रॉक्स होता है 60 रुपये के आसपास। तो अगर यहाँ पे 90 ट्रेड है तो 90 ट्रेड में हमें यहाँ पे 90 × 60 रुपये का यहाँ पे ब्रोकरेज देना होगा। कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो ये अप्रॉक्स निकल कर आएगा 5400, राइट। तो यहाँ पे 5400 और हमारे पास जो बचा था यहाँ पे 5000 ही बचा था, 400 रुपये ज़्यादा आगे पीछे। तो ये मैनेज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला, इसमें हमारे लिए जो सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें 45 दिन तक ही हमें यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं बस। मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे हर दिन लॉस करते हैं तो 45 दिन तक ट्रेड ले पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आगे हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल हो गया, हमने यहाँ पे कैपिटल को मैनेज करना सीख लिया कि हम जो हमारा कैपिटल है इससे हम इतने दिन तक ट्रेड ले पाएंगे। अब हमें जो हमारा सेटअप है 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड लेंगे। अगर मान लो पहले 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे ट्रेड लेने जाते हैं तो पहले तो हमें हमारे सेटअप की एक्यूरेसी पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा सेटअप जो है 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, इसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे 60 से 70% का एक्यूरेसी है, राइट। मैं अपनी कई वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो इसकी एक्यूरेसी है, मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो 50 से 70% की एक्यूरेसी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 60 से 70% लिखा है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लेता। मैं हाई एक्यूरेसी लेकर आपको यहाँ पे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ओवर मोटिवेट नहीं करना चाहता, नहीं तो आप क्या होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर आओगे, लॉस कर लोगे। हम यहाँ पे सिंपल से लेते हैं कि 50% ही एक्यूरेसी है, और आप 50% एक्यूरेसी है आप इस बात से, मेरी इस बात से आप 100% एग्री भी करोगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे सेटअप की एक्यूरेसी 50% है। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी 50% है, तो इसका मतलब आपको क्या होगा, आपको 50 ट्रेड में लॉस होगा और 50 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो 100 ट्रेड में से आपको 50 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 50 ट्रेड में लॉस होगा। बट हम तो यहाँ पे 100 ट्रेड ले नहीं रहे, हमने यहाँ पर 45 ट्रेड लिया हुआ है। तो 45 ट्रेड लिया हुआ है तो अगर इसमें अगर आप 50% की एक्यूरेसी लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि आपको 22.5 डे, क्योंकि यहाँ पे ये 45 डेज था तो 22.5 डे आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और 22.5 डे आपको यहाँ पे क्या होगा, लॉसेज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम डे को हम यहाँ पे पॉइंट पे नहीं ले जाते, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इधर साइड मैं यहाँ पे लॉसेज को लिख लेता हूँ, इधर साइड मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स को लिख लिया। इसका मतलब है 45 डेज में हमें यहाँ पे 22.5 डेज, तो इसको हम, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको राउंड में लेते हैं। हमने यहाँ पे लॉसेज वाले को यहाँ पे बढ़ा लिया, मतलब हमें यहाँ पे 23 दिन हमें यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे लॉसेज हो सकता है, 22 दिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स हो सकता है, राइट। कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सिंपल सा ये निकला कि अगर हम यहाँ पे 45 डेज तक हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अगर हमारे सेटअप की एक्यूरेसी 50% है, अगर हमारे सेटअप की एक्यूरेसी 50% है तो इसमें जो हमारा यहाँ पे ट्रेड होगा लॉसेज रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे 23 दिन तक हमें इसमें लॉसेज हो सकता है और 22 दिन तक हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ये समझ में आया, ये 50% एक्यूरेसी का मतलब हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हमारा 40% की एक्यूरेसी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारा सिर्फ 40% की एक्यूरेसी होता है तो 40% की एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि 45 डेज में आपको 27 डेज तक आपको इसमें लॉसेज हो सकता है और 80 डेज तक आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक्यूरेसी का मतलब था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक आपको यहाँ पर और समझना होगा रिस्क रिवार्ड का कॉन्सेप्ट, जो मैं यहाँ पर आगे आपको हमको समझाना है। तो रिस्क रिवार्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि अगर हम 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि हमारा जो हर ट्रेड में जो रिस्क था वो 500 रुपये का था, इसका मतलब हम हर ट्रेड में रिस्क 500 का रख रहे हैं तो हमारा रिवार्ड जो है वो 3 है, 1:3। 3 का मतलब यहाँ पे होता है जितने रुपये का आपने यहाँ पे रिस्क लिया हो, इसी का 3 मतलब 3 गुना, तो इसी का 3 गुना मतलब आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पर 1500 का, यहाँ पे मतलब 1500 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर हम बात करें 1:4 के अकॉर्डिंग, तो 1:4 के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे रिस्क होगा वो यहाँ पर पहले से ही है कि 500 का रिस्क होगा, बट इसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 500 का 4 टाइम्स, यानी कि आपको पता होगा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 का। तो 1:4 के अकॉर्डिंग हमें हर ट्रेड में 2000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1:3 के अकॉर्डिंग हमें हर ट्रेड में 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से इसको मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है। 1:3 के अकॉर्डिंग हमें हर ट्रेड में 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1:4 के अकॉर्डिंग हमें हर ट्रेड में 2000 रुपये का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे जो मैं डेटा चल रहा हूँ समझाने, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला हमने यहाँ पे जो ये लिया है कि हम 45 दिन तक हम ट्रेड लेंगे, तो हमारे सेटअप की एक्यूरेसी अगर यहाँ पे सिर्फ 15% रहता है, 50% ही रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 50% में से हमको यहाँ पे क्या होगा, 23 दिन हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉसेज होगा, और यहाँ पे हमारा 22 दिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। और हमने अभी शुरू में ही कैलकुलेट किया था, शुरू में हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट किया था, हमारा जो एक ट्रेड में जो हम लोग का जो SL हो रहा था वो कितना था, 500 का था, और हम एक दिन में 2 ट्रेड ले रहे थे। तो अगर हम हमारा पहले ट्रेड में यहाँ पर 500 रुपये का लॉस है, तो 2 ट्रेड में लॉस कितना हो जाएगा, 2×500 यानी कि 1000 रुपये का लॉस हमारा ये पर डे लॉस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा लॉसेज
वन डे, मतलब एक दिन में हमारा लॉसेज कितने होगा, ये 1,000 रुपये का। और क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, हम तो 23 दिन हमें यहाँ पे लॉस ही होगा हमें, तो 23 दिन के अकॉर्डिंग मतलब 23 × 1,000, इसका मतलब ये हुआ कि हम 45 दिन में, अगर मुझे 23 दिन अगर लॉसेज होता है और अगर मैं उस लॉसेज को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो वो 23,000 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉसेज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना था, प्रॉफिट वाले जो डेज थे वो यहाँ पे 22 डेज था। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने रिस्क रिवार्ड 1:3 लिया हुआ है। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड 1:3 के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था 1:3 में अभी थोड़ी देर पहले, कि 1:3 में जो हमें यहाँ पे जो हमारा रिस्क था ये 500 रुपये का, और यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो कितना था 1,500 रुपये का। तो एक ट्रेड में अगर मुझे यहाँ पे 1,500 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो हमें सिर्फ, अगर मुझे पहले ट्रेड में यहाँ पे 1,500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता था, हम यहाँ पे सेकेंड ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमें एक दिन में 1,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और हमें टोटल 22 प्रॉफिटेबल डेज मिले हैं, तो 22 में हम इसको गुणा करेंगे। जब 22 में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे निकलेगा कि यहाँ पे 33,000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया 33,000 रुपये और लॉसेज हमने किया इतना। तो प्रॉफिट में लॉसेज को आप घटाओगे 33,000 में, 33,000 में 23,000 को अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जो ओवरऑल जो लॉसेज निकलेगा वो यहाँ पे 10,000 का लॉसेज निकलेगा। ठीक है, आप इसमें थोड़ा क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो क्या होगा, हाँ, जो टैक्सेज हैं, ब्रोकरेज है, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो सारे डेटा को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट मैंने उसको शुरू में ही सब्सक्राइब कर दिया है, तो इस डेटा पर डाउट मत करना, राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे ओवरऑल ROI जो हमें यहाँ पे मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो यहाँ पे 20% का रिटर्न मिलेगा। और 20% का रिटर्न वो भी सिर्फ 45 डेज में, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी हम इसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिया वो सिर्फ 1:3 लिया, मैं 1:3 कभी बोलते नहीं, राइट। और अगर हम यहाँ पे मान लो इसी सेटअप की जो एक्यूरेसी हमारा, ठीक है, हम इसको अगर 1:4 पर कैलकुलेट करते हैं, राइट, अगर हम इसको 1:4 पर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है अभी देखना। अगर मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे 50% का जो एक्यूरेसी था, 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का जो सेटअप था, अगर उसमें सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं 1:4 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो 1:4 के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 1:4 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 500 का अगर लॉस हो रहा था, तो जो हमें इसमें प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स, यानी कि 2,000 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो 45 की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 23 ट्रेड में यहाँ पे क्या होगा, हमें इसमें लॉसेज हो सकता है, राइट। और इसमें 22 ट्रेड में हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, पर डे का लॉसेज जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, अभी आपको बताया भी था कि पर डे का जो लॉसेज होगा हमारा, लॉसेज कितना होगा 1,000 रुपये का, और हमें टोटली 23 दिन तक लॉसेज हो रहा है, इसका मतलब हमें 23,000 रुपये का यहाँ पे लॉसेज होगा। और प्रॉफिट वाले डेज में मैंने अभी यहाँ पर ऊपर ही बताया कि एक दिन में हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जो हमारा प्रॉफिटेबल डेज है वो कितना है 22 दिन का है। तो 22 दिन के अकॉर्डिंग 22 से हम इसमें 2,000 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 22 दुनिया हो जाएगा 44,000 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट होगा। अब इस प्रॉफिट को इस लॉस में अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा 21,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 1:4 के अकॉर्डिंग। और ये 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे मैंने जो एक्यूरेसी लिया वो मैंने यहाँ पे मिनिमम एक्यूरेसी लिया हुआ है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगा, मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी लेकर भी यहाँ पर आपको दिखा सकता था, 70% 80% का एक्यूरेसी लेकर मैं दिखा सकता था, बट ऐसा करने से आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। और यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पर आपको 21,000 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सीधा 50,000 रुपये का ही रिटर्न देखने को मिल जाएगा, बट इससे आप ओवर मोटिवेट हो जाओगे, इससे आप ज़्यादा कुछ सीखोगे नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं वर्स्ट सिनेरियो में कम एक्यूरेसी से हम प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप इसकी एक्यूरेसी को यहाँ पे 50 से आप 60-70 का ले जाते हो तो आपको और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हम कम एक्यूरेसी के साथ भी यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या होता है कि ये जो 40% का है, मान लेते हैं हमारे पास 40% की एक्यूरेसी नहीं है, हमारे पास सिर्फ कितने परसेंट की एक्यूरेसी है, 40% की एक्यूरेसी है, मतलब 40% की एक्यूरेसी, मैंने 50 से यहाँ पे 40% की एक्यूरेसी, इसका मतलब यहाँ पर हमें 47 ट्रेड में हमें लॉसेज होगा और 18 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा। तो पर डे हमें जो लॉसेज था वो यहाँ पर 1,000 रुपये का लॉसेज था, और तो 27 दिन तक में जो हमें लॉसेज होगा वो 27,000 रुपये का लॉसेज होगा, राइट। और ऐसे हम प्रॉफिट वाले डेज में हम यहाँ पर एक ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट होगा पर डे वो यहाँ पर कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट वाले डेज है वो यहाँ पे 18 है, तो 2,000 और 18 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 36,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को और इस लॉस में घटा दोगे तो घटाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि 9,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर ROI की बात करेंगे हम यहाँ पर 1:4 के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप 1:4 की एक्यूरेसी लेते हो और आपका 40% का एक्यूरेसी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 80% का ROI आपको 45 दिन में यहाँ पे देखने मिलेगा। सिर्फ 45 दिन के अंदर अगर आपको 18% की एक्यूरेसी का रिटर्न यहाँ पे 18% का ROI मिलता है, तो ये कम नहीं है, ये वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा।
तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, मैंने यहाँ पर आपको क्यों समझाया ये इतना, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, मेरी बात को अब जो मैं यहाँ पर कंक्लूड करने चला हूँ इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलना कि निकला कि हमारे पास जो भी कैपिटल होगा उससे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट में हम देखना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके आना पड़ेगा कि हम कितने दिन तक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि हम 50,000 रुपये से 45 दिन तक हम ट्रेड ले सकते हैं, तो आप इसमें बेफिक्र होकर पर डे 2 ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा 1 लॉट में, वो भी हमको यहाँ पे लॉट साइज़ को नहीं बढ़ाना है बिल्कुल भी। अगर हम 1 लॉट में ट्रेड लिए हैं, मैंने यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर शेयर किया हुआ है, यहाँ पर ये जो डेटा यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ 1 लॉट में ही पर डे यहाँ पे लिया हुआ है ट्रेड, इसलिए 1 लॉट से ही ट्रेड करना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना, नहीं तो मैक्सिमम लोग जो लॉसेस करते हैं वो ओवर एक्साइटेड में आकर ही एक ट्रेड में उनको प्रॉफिट हुआ तो लॉट साइज़ तुरंत ही इंक्रीज़ कर देंगे। लॉट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना बिल्कुल भी, 45 दिन तक आप इसमें ट्रेड करो, आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपके लिए गेम चेंजर होगा। आप इससे सीखोगे क्या, 45 दिन तक ट्रेड करने से इससे आप ये सीखोगे कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन तक लॉस करने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे, और अगर आप बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊँ ना, आप वैसे भी लॉसेज कर रहे हो, तो लॉसेज अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो क्यों ना डट कर सीख कर समझ कर, ठीक है, सही तरीका अपना कर क्यों ना लॉसेज किए। अगर आप सही तरीका अपनाओगे ना, तो जो मैंने यहाँ पे रिटर्न्स आपको दिखाया, मान लो आप वो रिटर्न आप नहीं कैप्चर कर पाते हो, तो आप ये भी देखोगे कि ये आपका जो 15,000 का जो कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल ये आपका सेफ रहेगा। अगर आप उतना रिटर्न्स नहीं बनाओगे तो 50,000 का कैपिटल आपका सेफ रहता है तो भी बहुत बड़ी बात है, आप आगे 45 दिन तक आप ट्रेड ले पाओगे। तो सिंपल से यही बोलूँगा कि आप ये जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपके पास 50,000 रुपये कैपिटल है तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करो इसी तरीके से सीरियस होकर के कि हाँ मैंने 50,000 रुपये लिया, तो भी करोगे तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, और इससे जो आपको एक्सपीरियंस आएगा वो ना तो मैं सिखा सकता हूँ ना तो आपको कोई और ट्रेडर सिखा सकता है। उस लोगों का जो डाउट रहता है कि ये मैं आपको बता दूँ कि उन्हें 1:4 कैप्चर नहीं होता, तो 1:4 कैप्चर क्यों नहीं होता ये मैं आपको सिंपल से बता दूँ, क्योंकि आप 1:4 के लिए ना आप सीखना ही नहीं चाहते। आप मान लो 1:4 आपको नहीं कैप्चर होना, तो सबसे सिंपल इजी वे बताता हूँ, आप ट्रेड लो, ट्रेड लिया सिर्फ एकदम लोवेस्ट क्वांटिटी में, अगर आपकी कैपेसिटी 100 लॉट में ट्रेड करने तो आप सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड लो, ठीक है, 1 लॉट में ट्रेड लो, ट्रेड लिया आपने, SL लगाया, टारगेट लगाया 1:4, छोड़ दो, या तो सिर्फ SL पर निकालना कितना भी प्रीमियम डी के हो, एक दिन पूरा प्रीमियम डी मतलब 5 दिन तक 5 घंटे तक अगर आपको बैठना पड़ा तो आप 5 घंटे तक बैठो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, बैठना पड़ा तब भी बैठो, और उसके बाद जब तक आपको 1:4 ना मिले तब तक आप ट्रेड को मत कर करो, 1:4 के नीचे आपको बात नहीं करना है, ठीक है, आपको एग्जिट होना नहीं है, आप ये फॉलो करो, आप सिर्फ यही फॉलो करो, मतलब सिर्फ या तो SL या तो 1:4, और आप ये मिनिमम लॉट में करना, तो इससे आपको बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट खुद से करना होगा कि 1:4 आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे था, आई होप मेरा एफर्ट आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप 10,000 कैपिटल को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो पूरा एकदम डिटेल्स में एक्सेल शीट के द्वारा, हम उसमें कितने दिन तक ट्रेड ले सकते हैं, कैसे मैनेज करें, तो नीचे कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट बने रहिए और ट्रेड करते रहिए, थैंक यू ट्रेडर्स।